इस मंदिर के सानिध्य में शंकर जी के सानिध्य में रह रहे हैं, ये है कि हम सब लोग प्रयत्नशील होकर के ऐसा कुछ कार्य करें जिससे कि मंदिर की जो मर्यादा है उसके अनुरूप इसकी प्रतिष्ठा और भव्यता दिव्यता इसको प्राप्त हो। ऐसे तो शंकर जी का कार्य हम लोग क्या करेंगे, शंकर जी हमारा ही काम करते हैं, वो ही आप में प्रेरणा देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं और उन्हीं के माध्यम से हो जाएगा। मैं केवल इस मंदिर का दिव्यतम दर्शन करने के बाद में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हम ऐसे दिव्यतम मंदिरों की जानकारी से खुद भी अनभिज्ञ हैं। विदेशों में अगर कोई ऐसी स्थली होती है तो लोग पूरी सरकार अपनी जान लगा देती है उसमें, क्योंकि मुझे एक मालूम है कि मैं वाराणसी के पास में कोई सज्जन को अमेरिका से आए हुए सज्जन थे, राजनीतिक थे वो अमेरिका के, तो जब उन्होंने जाकर के एक राजदरी देवदरी करके एक जगह को देखा जो पहाड़ में ही उत्कीर्ण मूर्तियां हैं, उन्होंने कहा कि यदि ये जगह अगर अमेरिका में होती तो एक स्टेट का खर्च अकेले निकाल सकती थी वो जगह। उसी प्रकार से अगर सरकारें ऐसे मंदिर पर, जैसे मंदिर है इस पर अगर पूरा ध्यान मध्य प्रदेश की सरकार दे दे और उनको ध्यान दिलाना जो स्थानीय राजनेता होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं और हमारे पत्रकार लोग, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि उनकी पूरी नज़र और पूरी आस्था इस मंदिर के प्रति है, जो कि उन्होंने इसे मुझे भी, मैं पहले भी आकर के दर्शन करके गया और हमारे आप सभी ने जो बताया उससे और भी ज़्यादा ललक पैदा होती है कि भाई। तो ये निर्भर करता है कि आप किसी स्थल को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक मंदिर है शंकर जी का, शंकर जी के मंदिर बहुत हैं लेकिन ये एक साधारण मंदिर नहीं है। भारतीय कलाकृति, भारतीय अध्यात्म, भारतीय धर्म का विज्ञान और ऋषि मुनियों की जो मेधा शक्ति है ये सबका प्रतीक है। इसलिए इस चीज़ को विश्व में उजागर होना चाहिए क्योंकि इस मंदिर के ऊपर बनी हुई जो श्रीयंत्र की ये जो मेखला है ये अद्भुत है और विश्व में किसी भी जगह पर ऐसी ये यंत्र जो ऊपर से बनाया गया है ये नहीं है, क्योंकि इसमें जितने प्रामिड बने हुए हैं हर एक प्रामिड अनंत अनंत सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करके संपूर्ण क्षेत्र को लाभान्वित करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसी दिव्य धरोहर को मैं स्थानीय नेताओं से और इस प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से और मैं अध्यात्म सत्या की विभूति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और जो शंकर जी के भक्त हैं अपने आप में और जिन्हें शंकर जी का एक अंशावतार भी माना जाता है, ऐसे जो मोदी जी हैं, ऐने ऐसे लोगों तक मैं जगतगुरु होने के नाते आग्रह करना चाहूँगा कि वे इस स्थान पर पूरा संज्ञान मिलें और संपूर्ण विश्व के मानस पटल पर इस मंदिर की गरिमा को पहुंचाएं। प्रचार मीडिया के माध्यम से सरकार के पास में ऐसी चीज़ें होती हैं जब वो प्रदेश से और देश से, जैसे एयरपोर्ट जैसी जगह पर, भोपाल के एयरपोर्ट पर यहाँ का मूर्ति, यहाँ का मंदिर का दिव्य तस्वीर होनी चाहिए, दिल्ली के एयरपोर्ट पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो बाहर से आते हैं लोग उतरते से ही देखते हैं, जैसे कि हमारे कर्नाटक की लगी हुई है और जगन्नाथपुरी की लगी हुई है, तो ये मंदिर अपने आप में सामान्य नहीं है। तो एयरपोर्ट जैसे स्थानों के माध्यम से और सरकार अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें और इसको अधिक से अधिक अर्थ का सहयोग करके, आर्थिक सहयोग करके संपूर्ण जो उदयपुर है इसका पूरा विकास करें, क्योंकि मंदिर का विकास तभी होगा जब इस आसपास के पूरे गांव का परिक्षेत्र चारों तरफ से विकसित होगा। यहां पर ऐसे आवास गृह बनाए जाने चाहिए जो बाहर से आने वाले पर्यटकों को ठहरने की व्यवस्थाएं मिल सके और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दृष्टि से वर्ष में एक कोई ना कोई मेला सरकार की तरफ से होना चाहिए यहां पर, जिसमें यहां की कलाकृतियों को निखारा जाए और देश के प्रबुद्ध लोगों को यहाँ पर बुला करके, उनकी कलाकारों को बुला करके, प्रबुद्धों को बुला करके और बाहर की मीडिया को बुला करके यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर कराए जाएंगे तो निश्चित रूप से बाहर के लोग यहाँ पर आकर्षित होंगे और ये मंदिर अपने विश्व में अपनी कलाकृति को बिखेर करके आध्यात्मिक छटा की ध्वजा को लहराएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे ग्राम उदयपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय जगत गुरु संत
तो रामकमल दास जी महाराज का आगमन हुआ, उनके श्री चरण यहाँ पर आए, मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। महाराज जी, इस गांव के लोगों को बड़ी उम्मीद अब आपसे ही है, क्योंकि यहाँ से 5-7 साल पहले एक उदयपुर उत्सव कार्यक्रम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने यहाँ आयोजित करवाया था, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी नहीं होने की वजह से ये कुछ पिछड़ गया है। तो मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है कि आप शिवराज जी से बात करके और उदयपुर उत्सव का एक कार्यक्रम सारा निश्चित करा दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इस संदर्भ में जरूर कदम उठाना चाहूँगा और मैं आग्रह करूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस संदर्भ में अपने संज्ञान में लें, और इससे उनकी भी गरिमा बढ़ेगी और हमारे प्रदेश की गरिमा बढ़ेगी, पूरे देश की गरिमा बढ़ेगी, तो ऐसा निश्चित होना चाहिए। महाराज जी, चूँकि क्या ये विश्व पटल पे अब आने की तैयारी है हमारा उदयपुर, तो इसमें साधु संतों की क्या अहम भूमिका रहती है कोई भी स्थान के लिए और प्रसिद्ध करने के लिए, या जनप्रतिनिधियों का तो इस और जनजागरण के लिए? संतों को ये बस यहाँ पर कोई एक सप्ताह है, एक पखवाड़ा, जैसे शिवरात्रि का टाइम होता ही है तो उस समय पर या अन्य समय पर संतों को लगभग 7 दिन का या 9 दिन का यहाँ पर हर एक, जैसे सरकारें मेला लगाती हैं तो संतों को अपने अपने शिविर यहाँ पर लगा करके जैसे कुंभ आदि में लगाते हैं, इसी प्रकार से जो क्षेत्र के पहले लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हैं लोग, वो लोग लगाना शुरू करें तो फिर धीरे धीरे बाहर के भी लोगों का आह्वान किया जाए तो वो लोग रहेंगे, तो निश्चित रूप से फिर उनके जो भक्त होते हैं वो लोग भी आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के हैं और मध्य प्रदेश के हैं, उन सबको अखाड़ों के माध्यम से उनको आहूत किया जाए। और इस प्रकार से वृंदावन में अभी बैठक होने जा रही है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसे कार्यक्रम हो तो संतों का शुभागमन होगा, तो निश्चित रूप से उनके भक्त लोग भी जुड़ेंगे। आज आपने पूरा मंदिर भ्रमण किया, भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन किए, इस मंदिर की ही तरह यहाँ संपूर्ण क्षेत्र में पूरी छटा बिखरी है, तो जो अभी तक ना तो पुरातत्व विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है ना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे पास में वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि हमारे घर में ही रत्न भरे हुए हैं और हम बाहर भिक्षुक की तरह बाहर तलाश रहे हैं, अगर हम इनकी ही गरिमा को उठाएं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए मैं अपनी मीडिया जगत को बहुत बहुत, यहाँ की जो मीडिया है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को प्रकाश में तो अपने मीडिया के, पत्रकार जगत के माध्यम से ही लाई जाती थी और फिर लोगों को भी ज्ञान उठता है। मैं समझता हूँ आप लोगों का ये अभियान निश्चित रूप से अध्यात्म जगत को और मुख्यमंत्री को भी प्रभावित करेगा। पहले तो सबसे पहले हमारे स्थानीय नेताओं को जागरूक होना चाहिए, और चुनाव के समय तो बड़े बड़े बात किए जाते हैं लेकिन बाद में लोग भूल जाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा जागरूकता से जब यहाँ पर मंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं तो उनको यहाँ लाना चाहिए। जैसा कि एक यहाँ पे एक बीच बीच में कहीं उर्दू के शब्द लिखे हुए हैं, तो आज तक हमने कभी मस्जिद में या ऐसी जगह कभी भगवान राम, श्री राम या किसी भी धार्मिक यंत्र या उसका कहीं उल्लेख नहीं देखा, चूँकि यहाँ देखा है, तो इस पे कोई आप अपने विचार व्यक्त करें? इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब देश स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले वो हर एक देश का ये नियम रहा है कि अपनी गुलामी के चिन्हों को मिटाता है, और ये उर्दू में लिखे हुए जो पत्थर हैं ये हमारी गुलामी के प्रतीक हैं, तो हमें निश्चित रूप से उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। तो स्थानीय इकाई के लोगों को भी करने से हो सकता है, जैसे कि आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर जो निर्माण हो रहा है तो उसके जितने प्रतीक चिन्ह थे ऊपर से आवरण मढ़े गए थे उनको हटा दिया गया, तो उसी प्रकार से यहाँ तो कोई प्रामाणिकता की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर उनको निकाल करके बाहर करना चाहिए, क्योंकि अब उसमें उनकी गाथा लिखी हुई है, सॉरी गाथा, कि कैसे उन्होंने ऐसे लोगों, हिंदुओं को मारा, कैसे लोगों ने विस्तार किया, तो ऐसे पत्थरों को लगा करके हम अपने आत्मग्लानी के इतिहास को अपने बच्चों को क्यों दिखाएं? इसलिए आने वाली पीढ़ी को उनको हटा देना चाहिए, उनको कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर। महाराज जी, यहाँ से अपन रास्ते में जाते हैं तो एक बहुत प्राचीन प्रतिमा निकली है और बरहा देव की जी। और उसके आसपास भी ऊपर से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रतिमा वहाँ पड़ी भी हुई है और निकल भी रही है जी। लेकिन पुरातत्व विभाग कोई ध्यान नहीं देता महाराज जी जी, इसमें भी पुरातत्व विभाग की अगर अपन ध्यान। अब मैं समझता हूँ, देखिए छोटी छोटी बातें ही बड़ी बनती है। आज एक छोटी सी यात्रा आप सब लोगों की है, पत्रकारों की है, मैं भी आया हूँ, इससे थोड़ा सा और भी आगे जाएगा विस्तार,
और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि स्थानीय जो नेता हैं वो पहले यहाँ पर एकत्र हों और वो उसको संज्ञान में लाएं, और निश्चित रूप से ये कोई उदयपुरी कोई साधारण नगरी नहीं है, ये कोई वृंदावन वाराणसी बहुत से तीर्थ स्थान हैं जो छुपे हुए हैं। जैसे वैष्णो देवी का जो मंदिर था, वैष्णो देवी का मंदिर तक लगभग 7वीं सदी के पहले तक छुपा हुआ था, फिर त्यागी महात्मा ने वहाँ जा कर के देखा और उन्होंने जा कर के उसको निकाला। तो आज पूरी दुनिया वहाँ जा रही है, पूरे लोग वहाँ पर यात्रा बना कर जाते हैं, केदारनाथ मंदिर में लोग जा कर के मंदिर की दर्शन करते हैं। ये अद्वितीय मंदिर है, यहाँ पर विश्व के लोग आएंगे। इसके लिए जो है देश की सरकार का और सब लोगों का कर्तव्य बनता है, ये साधारण नहीं। मैं समझता हूँ यहाँ की कई अगर उत्खनन किए जाए, चिन्हित करके भूवैज्ञानिक जो लोग होते हैं उनको बुलाया जाए और संपूर्ण नगरी को घुमाया जाए, तो निश्चित रूप से इसमें आर्थिक उपलब्धियाँ भी हो सकती हैं, धन संग्रह भी हो सकता है। और मैं समझता हूँ इतना कुछ अर्थकोष, जैसे आपने साउथ इंडिया के एक मंदिर में देखा कि कितना अर्थ वहाँ पर निकला, तो हो सकता है कि इतना मंदिर बना तो सामान्य तो ये जगह थी नहीं, अर्थकोष भी भूवैज्ञानिक आए और वो उसको देखें तो उसके माध्यम से अर्थ भी इतना निकल सकता है जो अपने आप ये नगर अपने आप विकसित हो जाएगा। और मंदिर का इसमें कई मंदिर होंगे, एक मंदिर जब होता है तो एक मंदिर तो नहीं होता, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर अकेला तो नहीं है, वहाँ पर कितने मंदिर हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक मंदिर नहीं, कई मंदिर होंगे जो निश्चित रूप से, अब जैसे आज कल उन्होंने बताया और मैंने रात्रि को स्वप्न में देखा कि कोई मंदिर उखड़ रहा है, निकल रहा है और उसमें भव्यतम राम जी के दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है वो यहीं का संकेत हो कि यहाँ पर ऐसे कई मंदिर हैं जो मंदिरों को अंदर लोगों ने, क्योंकि लोग जो तोड़ते थे तोड़ करके उसी की मिट्टी से उसको दबाए थे। इसी पत्रकार वार्ता में इसी बात पे चर्चा हुई थी तो आपका यहाँ आना हुआ। यहाँ ऐसा लगता है आसपास के क्षेत्रों में देख के कि यहाँ पूरा एक जमीन एक नगर बसा हुआ है। हाँ, जिसके कुछ चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ से आज देखिए बात है कि हमारे देश के चौथे स्तंभ पत्रकार साथी लोग लोकेश जी, अमित जी, चौबे जी, बाकी अन्य पत्रकार जो लोकल के हैं, सभी ने महाराज जी से तो इस दत्त मंदिर के दर्शन कराकर एक प्रकाश डलवाया और महाराज जी ने बड़ी गहनता से और बड़े सूक्ष्म तरीके से इस मंदिर के विवरण के बारे में बताया। और महाराज जी ने आज बड़ी अच्छे तरीके से इस मंदिर का अध्ययन किया है और मुझे उम्मीद है कि महाराज जी के कर कमलों से ये मंदिर